नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 20 ऐसे शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपने एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है अपने बच्चों के लिए, और उस पोर्टफोलियो में 20 शेयर्स आपने ऐड करने हैं। और ये जो 20 शेयर्स हैं दोस्तों, मैंने सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करी हैं, और इसके अंदर जो है मैंने ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश करी है। बस दो तीन सेक्टर हैं जो कि साइक्लिकल सेक्टर्स मेरे को लगे, जैसे कि रियल इस्टेट और ऑटोमोटिव। मैंने इन सेक्टर से कोई भी शेयर इसके अंदर ऐड नहीं किया है। और ये जो जितने भी 20 कंपनीज मैंने ऐड करी हैं दोस्तों, ये सारी की सारी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, और इन सब के फंडामेंटल्स पर हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सारी की सारी एवरग्रीन सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और इनके मैनेजमेंट जो है दोस्तों, काफ़ी अच्छा शानदार मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। सबका एकदम गुड मैनेजमेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे, अगर आप लगातार ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की पहली कंपनी है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों, मैंने पहली ही कंपनी बहुत शानदार चूज़ करी है दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं, नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया था कि इथेनॉल का आगे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट लगता है, और उन्होंने बताया था कि जैसे कि ये इथेनॉल को एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे, इथेनॉल एज ए एडिटिव यूज़ होएगा पेट्रोल के साथ, और ये इनसे जो भी अब आने वाला नई सेगमेंट जो होगा उसमें सारी की सारी जो भी कारें होंगी उनके इंजन इस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे कि उसके अंदर इथेनॉल एज ए फ्यूल काम करेगा। तो दोस्तों, उसी में जो मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों हमारे पास है प्राज इंडस्ट्रीज़। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ दोस्तों इस चीज़ की मार्केट लीडिंग कंपनी है। इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग ही है इथेनॉल के साथ करी थी, और आज ये ग्लोबल लीडर बन चुकी है दोस्तों इथेनॉल के अंदर। लगभग 75 कंट्रीज़ के अंदर हमें इनका देख सकते हैं, ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, पहली कंपनी जो होगी हमारी लिस्ट में प्राज इंडस्ट्रीज़ है। तो दोस्तों, एक बार इनके फंडामेंटल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं, लगभग 7800 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस हमें 429 का देखने को मिलता है। वहीं ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों 448 का देखने को मिलता है। वहीं स्टॉक जो है अभी 54 की पी पे वर्क कर रहा है। वहीं इंडस्ट्री पी जो है दोस्तों इसमें 24-25 की देखने को मिलती है। वहीं डिविडेंड जो है दोस्तों आधा परसेंट निकाल के दे देता है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दोस्तों 15%, काफ़ी अच्छा आरओसी देखने को मिलता है इस कंपनी में। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 10% का देखने को मिलता है। वहीं फेस वैल्यू जो है दोस्तों कंपनी की 2 की देखने को मिलती है, जो कि आने वाले टाइम में अगर स्प्लिट होता है तो उस चीज़ का बेनिफिट भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी में देखो दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर कर्जा देखने को मिलता है, कोई भी कर्जे वाली कंपनी नहीं है। वहीं FIIs ने भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टेक बैक रखा, लगभग 13-14% का FIIs ने स्टेक बैक करके रखा हुआ है इसमें। वहीं प्रोमोटर के पास 32% की होल्डिंग है। वहीं देखो दोस्तों, लगभग अभी हमें ऑल टाइम हाई से 4-5% के डिस्काउंट रेट पर भी देखने को मिलता है ये शेयर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके थोड़े से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं कैसी रही है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 12% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो पिछले 3 साल में 33% की देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक का अगर हम देखें तो CAGR रिटर्न जो है दोस्तों 44% का बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब हर साल ही अपने इन्वेस्टर्स की वैल्यू को 44% से बढ़ाता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 9 की मेंटेन करके रखी है इस कंपनी ने। तो चलिए दोस्तों, अब हम लिस्ट की अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों मैंने चूज़ किया वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को चूज़ करने का यही रीज़न है दोस्तों, मतलब आगे वाले आने वाले समय में इस चीज़ की डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम विदेशों में देखें तो अभी हर एक घर में, घर के अंदर एक छोटा सा बार हमें देखने को मिलता है, और वही वाला जो है ना वेस्टर्न ट्रेंड कहते हैं इसको, वही अब धीरे धीरे इंडिया में हमें थोड़ा पॉश एरियाज़ जो भी हैं, जैसे जो भी इंडिया के अंदर पॉश एरियाज़ हैं उनके अंदर जो भी मतलब न्यू मकान, मतलब जो भी नए घर बनते हैं सबके अंदर, मतलब छोटी छोटी ये सब चीज़ों का भी ट्रेंड अब हमें आने देखने को मिल रहा है। जो भी रिच सेगमेंट के जो भी लोग हैं वो सब अपने घरों में एक छोटा सा बार होने की पसंद करते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों इस कंपनी को ऐड किया गया है हमारी लिस्ट में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक ऑप्शनल शेयर है, अगर आपको पसंद आए इस शेयर के अंदर निवेश करना तो करके चल सकते हैं, अदरवाइज़ एज सच कंपलसरी नहीं है इसके अंदर निवेश करना। तो इसलिए मैंने ये सेगमेंट, तो दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है। तो इसके कुछ जो ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, वैट 69,
और एंटीक्विटी सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडोनल्ड नंबर वन और ये कैप्टन मॉर्गन, ये सब इसके काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं दोस्तों। तो इस कंपनी को भी आप थोड़ा देख के चल सकते हैं। अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स देखो दोस्तों, 65,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और अगर करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 900 के आसपास देखने को मिलता है। वहीं ऑल टाइम हाई की बात करें दोस्तों, 1020 का ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 75-76% की देखने को मिलती है। वहीं डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, जितना भी रेवेन्यू और प्रॉफिट से अर्न करती है सब ये अपनी ग्रोथ के अंदर लगा देती है। वहीं आरओसी देखो, लगभग 13-14% का आरओसी देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9-10% की आरओई देखने को मिलती है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 29 की देखने को मिलती है। और वहाँ से ये अगर हम अभी देखें तो लगभग डबल से भी ज़्यादा की वैल्यूएशन पर देखने को मिलता है, लगभग 76 की इसकी स्टॉक पी देखने को मिलती है अभी। वहीं कर्जा कंपनी पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, 0.2 की डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलती है। वहीं FIIs ने इसमें दोस्तों कितना अच्छा स्टेक बाय करके, लगभग 18% का FIIs ने स्टेक इस कंपनी के अंदर बाय करके, और प्रोमोटर के पास लगभग 56-57% का स्टेक है अभी देखे है। और वहीं अगर ऑल टाइम हाई से बात करें तो अभी हमें लगभग 12% के आसपास डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है ये शेयर। तो चलिए दोस्तों एक बार इसके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखते हैं। तो पिछले 3 साल में जैसे कि हम सब जानते हैं कोविड की वजह से इसकी सेल्स के अंदर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है, सेल्स ग्रोथ -2 भी देखने को मिल रही है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ -12 भी देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक रिटर्न की बात करें तो लगभग 17% के सालाना रिटर्न इसने पिछले 3 साल में निकाल के दिए हैं। वहीं आरओई की बात करें तो आरओई हमें 17% का देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब अपने लिस्ट नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज की रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इस कंपनी से तो आपको इंट्रोडक्शन करनी है, जो इतनी मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों। ये जिन सेगमेंट्स के अंदर काम करती है दोस्तों, एनर्जी, रिटेल, एंटरटेनमेंट, डिजिटल सर्विसेज, इन सब के अंदर काम करती है। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल्स से आपको रूबरू करा देता हूँ एक बार ही। तो 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, और वहीं अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 31 की देखने को मिलती है, इंडस्ट्री पी 15 की देखने को मिलती है, वहाँ से डबल की वैल्यूएशन पे देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट लीडिंग कंपनी है तो इसके इस चीज़ पर हम बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 8% का निकाल के देती है। वहीं आरओई हमें 8% की देखने को मिलती है। वहीं फेस वैल्यू देखो दोस्तों, कंपनी 10 की फेस वैल्यू देखने को मिलती है। वहीं FIIs ने इसमें के अंदर देखो कितना ज़बरदस्त निवेश कर रखा, लगभग 25% की होल्डिंग FIIs के पास देखने को मिलती है। वहीं प्रोमोटर के पास 51% की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। वहीं अब भी बात करें तो 52 वीक हाई से हमें ये 7% के डिस्काउंट रेट पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐड करने का यही कारण है कि जैसे कि हम सब जानते हैं मार्केट लीडिंग कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है, और इसी ये जिन चीज़ों के अंदर काम कर रही है इन्हीं चीज़ों की ग्रोथ रहने वाली है। टेलीकॉम के अंदर ये काम कर रही है, ऑयल टू ऑयल मतलब जैसे पेट्रोल रॉ मटेरियल को ये एक फाइनल गुड के अंदर कन्वर्ट करती है, तो उस चीज़ के अंदर भी काम कर रही है ऑयल सेगमेंट के अंदर। और ये रिटेल के अंदर भी काफ़ी अच्छा पकड़ बना चुकी है कंपनी। तो यही एक रीज़न है इस कंपनी को अपने हमने लिस्ट में ऐड करने का। तो अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 ईयर्स में हमें 6% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है, और पिछले 3 साल में 7% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स के अंदर हमें लगभग 24% के सालाना रिटर्न निकाल के दिए इस कंपनी। वहीं आरओई देखें तो 10% देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज़ करी वो दोस्तों दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट भी एक ये मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों, लगभग 70% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है और लगभग 70% का ये मार्केट शेयर होल्ड करती है सोडियम नाइट्रेट में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, दीपक नाइट्रेट ग्रोइंग कंपनी है। तो इसको भी आप एक केमिकल सेक्टर से मैंने दीपक नाइट्रेट चूज़ किया, तो इसको भी आप अपने लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। इसके अंदर भी आपने लगभग हर एक कंपनी जितनी भी है सबके अंदर दोस्तों इक्वल वेटेज देनी है आपने 5% की।
तो इसको भी लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एक बार इसके फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो फंडामेंटल्स बताते तो मार्केट कैप 31,000 की देखने को मिलती है, वहीं आरओसी देखें तो लगभग 40% का आरओसी देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 40% का देखने को मिलता है। वहीं डेट की बात करें तो कंपनी में बिल्कुल भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी देखने को मिलता है, ना के बराबर डेट देखने को मिल रही है। वहीं एफआईआई ने लगभग 9% का स्टेक बाय कर रखा है। वहीं और प्रोमोटर्स की बात करें 45% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास देखने को मिलता है। और अभी ऑल टाइम हाई से बात करें तो ये शेयर हमें लगभग 24% के करेक्शन में देखने को मिलता है। तो ये भी एक अच्छा समय दोस्तों, एक दो क्वांटिटीज आप इस शेयर की बाय करके चल सकते हैं। अगर इसमें और गिरावट मिले तो आने वाले समय में लगभग 2100 2200 के आसपास आप एक दो शेयर और इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और बजट के हिसाब से ऐड करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। अगर पिछले 3 साल की बात करें 38% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। वही प्रॉफिट ग्रोथ देखो दोस्तों कितनी शानदार देखने को मिल रही है, 111% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक सी ए जी आर की बात करें तो 105% का स्टॉक सी ए जी आर देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 37% की आर ओ ई देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो हमने चूज़ करी है वो है मैक्स हेल्थ। तो ये भी मैंने हेल्थ केयर के अंदर कंपनी को चूज़ किया है। जैसे कि मैक्स हेल्थ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चैन है, मेनली जो है नॉर्थ दिल्ली के साइड, नो सॉरी नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये नॉर्थ इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अभी अपना एक्सपेंशन का काम कर रही है। और वहीं धीरे धीरे ये अब 2 टीयर 3 टीयर सिटीज़ के अंदर भी अपने एक्सपेंशन करने के प्लान बना चुकी है। और मैक्स हेल्थ केयर के अंदर निवेश करने का एक कारण हो रहा है दोस्तों, जैसे कि अभी ये बस कुछ दो टू थ्री सिटीज़ के अंदर ही काम कर रही है इंडिया इंडिया के, और इनका एक्सपेंशन प्लान बहुत ही बड़ा है। अगर ये सारा इनका एक्सपेंशन प्लान इनके मुताबिक होता है तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और मैक्स हेल्थ केयर के अंदर अगर हम पैसे लगाते हैं तो हमें इनकी मैक्स लैब करके जो है सब्सिडरी कंपनी, उसका बेनिफिट भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों इनके फंडामेंटल्स एक बार हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप हमें 36,000 करोड़ की देखने को मिलती है। वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 3.55% और रिटर्न ऑन इक्विटी 1.45% का देखने को मिलता है। और फेस वैल्यू 10 की देखने को मिलती है। तो आने वाले समय में इसके अंदर हमें स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वहीं दोस्तों स्टॉक पी की बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे देखने को मिल रहा है 132, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 32 की इंडस्ट्री पी देखने को मिलती है। और कंपनी के पास ना के बराबर कर्जा है, 0.07 की डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलती है। और एफआईआई की बात करें तो लगभग 15% का स्टेक एफआईआई ने इसके अंदर बाय कर रखा है, और प्रोमोटर्स ने लगभग 50% का स्टेक इसके अंदर मेंटेन किया हुआ है। और अभी देखें तो लगभग 21% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिलता है अपने ऑल टाइम हाई से। तो चलिए दोस्तों इसके एक बार हम प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे थे, पिछले 3 ईयर्स की हमें 63% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। और सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी नेगेटिव रिटर्न जरूर देखने को मिलते हैं अभी। और अगर हम सी ए जी आर की बात करें तो अभी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है इस शेयर की। अगर 1 साल की बात करें तो 67% के सी ए जी आर रिटर्न हमें इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों डी मार्ट मैंने चूज़ करी है। तो डी मार्ट को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी आप सब जानते ही होंगे। रिटेल के अंदर एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स की जो काफ़ी अच्छी चेन है, और ये आने वाले समय में अपना ई कॉमर्स के अंदर भी एक्सपेंशन करने वाली है। अगर हम डी मार्ट की बात करें तो मार्केट कैप हमें लगभग 2,65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और वहीं आर ओ सी देखो दोस्तों लगभग 12% का आर ओ सी देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9% की आर ओ ई देखने को मिलती है, और 10 की फेस वैल्यू इस कंपनी की देखने को मिल रही है दोस्तों। और एफ आई एस की बात करें तो लगभग 9% का स्टेक एफ आई एस ने बाय कर रखा है, और प्रोमोटर्स की बात करें तो 75% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास मेंटेन है। और अभी यह ऑल टाइम हाई से लगभग 30% डिस्काउंट पर हमें देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे थे। प्रॉफिट ग्रोथ हमें पिछले 3 साल में 12% की देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक सी ए जी आर की बात करें तो पिछले 3 साल में 43% से इसने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाई है हर साल।
चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज़ करी दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी दोस्तों फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ये जिन चीज़ों के अंदर काम करी है वो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड और डिजिटल प्रोसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों का फ्यूचर है दोस्तों आने वाले समय में। तो ये भी उस हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर हम इसके ROE और ROCE देखें दोस्तों, लगभग 35% का ROCE देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 40% की। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू देखने को मिलती है, और डेट की बात करें तो कंपनी में ना के बराबर कर्जा देखने को मिलता है, 0.35 की डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलती है। वहीं FIs की बात करें तो लगभग 6% का स्टेक इसके अंदर बाय करके रखा है और प्रोमोटर्स ने लगभग 53% का, और अभी ये ऑल टाइम हाई से लगभग 31% का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल में 20% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है और 109% का काफ़ी शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों अब हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं जो कि मैंने चूज़ करी, सोना BLW प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, मतलब सोना कॉमस्टार। तो सोना कॉमस्टार को चूज़ करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न जो होता है दोस्तों, ये जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में डलने वाली जो मोटर्स होती हैं ये वो बनाने लगी, और उसमें ये मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों। EV ट्रांजेक्शन मोटर ये आप देख सकते हैं, ये सब हाइब्रिड मोटर्स ये सब ये मैन्युफैक्चर करती है, BESG सिस्टम्स। तो इन्हीं चीज़ों का फ्यूचर है दोस्तों आने वाले समय, सारी की सारी कार समय EV पे चलती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोना कॉमस्टार को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ की फंडामेंटल्स मार्केट कैप देखने को मिलती है। वहीं अगर हम दोस्तों ROCE देखें तो 17% ROE, 17% और वहीं डेट टू इक्विटी 0.08%, FIs स्टेक 9%, 10% और प्रमोटर होल्डिंग 67%, बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप 52वीं हाइक से अगर हम देखें तो अभी लगभग हमें 26% डिस्काउंट पे देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट ग्रोथ हर साल 32% की देखने को मिल रही है और सेल्स ग्रोथ हमें 8% की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज़ करी है वो है HDFC लाइफ। दोस्तों अभी इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, लगभग अभी कोई भी मतलब 2% ही लोग हैं जो कि जिन्होंने हम अभी ये लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है दोस्तों। और अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो लगभग 40-50% लोगों के पास हमें इंश्योरेंस देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनी। अगर हम इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 565 का देखने को मिल रहा है अभी, और ये HDFC ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। अगर 3 डिजिट नंबर में देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आने वाले समय में तो बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा के ही मानेगी, और ये इस प्राइस पर ज़रूर लेने की बनती है दोस्तों। अभी डिस्काउंट पर भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों इसके एक बार हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो 1,19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है दोस्तों ये। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17% की देखने को मिलती है। वहीं ROCE की बात करें तो 20% का ROCE देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग और FIs की स्टेक की बात करें तो लगभग 29% की FIs ने इसके अंदर स्टेक बाय कर रखा है, काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, और वहीं अभी ये लगभग 27% के डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगभग 30% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 7% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले 3 ईयर्स में। और स्टॉक CAGR की बात करें तो लगभग 11% का स्टॉक CAGR रिटर्न देखने को मिल रहा है, और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमें 21% की ROE देखने को मिलती है पिछले 3 ईयर्स में। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स मैंने चूज़ करी है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स चूज़ करने का यही रीज़न है दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं आने वाले समय में सोलर पैनल सबके घरों में देखने को मिलेंगे, और ये कंपनी जो है दोस्तों सोलर पैनल के ऊपर लगने वाले जो ग्लास होते हैं ये उस ग्लास को मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, उसमें मार्केट लीडिंग कंपनी है ये। और वहीं अगर इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिलती है। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना शानदार देखने को मिल रहा है, लगभग 29% का ROCE देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% की ROE देखने को मिलती है।
और FIs ने देखो इसके अंदर 5% का स्टेक बाय कर रखा है, उन प्रोमोटर्स के बाद काफ़ी अच्छा स्टेक इसके मेंटेन देखने को मिलता है लगभग 62% का, और अभी ये ऑल टाइम हाई से 15% डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो हमें पिछले 3 ईयर्स की बात करें तो हमें 19% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में 28% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं स्टॉक्स ने पिछले 3 ईयर्स में देखो 124% के हर साल अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बढ़ाया है। काफ़ी शानदार CAGR रिटर्न देखने को मिलता है। वो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट कंपनी तरफ चलते हैं। CDSL मैंने चूज़ किया है। तो जैसे जैसे लोग इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो और अपने अकाउंट स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर ओपन करेंगे उसका सीधा बेनिफिट हमें CDSL में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इसी हिसाब से मैंने इस कंपनी को अपनी लिस्ट में चूज़ किया है। अब भी बहुत ही कम लोग जो हैं शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हैं, इंडिया में लगभग 3-4% लोग निवेश करते हैं, और वहीं जैसे आने वाले समय में इसके अंदर काफ़ी लोग निवेश करने लग जाएंगे लगभग 30-40% आने वाले समय में, तो उस टाइम इसकी बहुत शानदार वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को अपनी लिस्ट में चूज़ किया है। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें लगभग 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा हमें डिस्काउंट पे भी देखने को मिलता है। करंट प्राइस 1436 का है, वहीं ऑल टाइम हाई की बात करें तो 1734 का देखने को मिलता है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 34% की ROCE देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 25%, और वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू वाला शेयर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों अगर इसके अंदर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 20% की प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, और ये ऑल टाइम हाई से लगभग 17% डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इनके प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। लगभग 25% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है और सेल्स ग्रोथ लगभग 22% की। चलिए दोस्तों अब अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों टाटा पावर मैंने चूज़ करी है। तो टाटा पावर जैसे कि आप सब जानते ही होंगे काफ़ी सारे कंपनीज के साथ इन्होंने टाइप कर लिया है, जैसे कि पेट्रोलियम कंपनीज़ के साथ वहाँ पे अपने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, और ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी कदम रख चुकी है। तो वही एक रीज़न है इस कंपनी को चूज़ करने का। और चलिए दोस्तों इसके एक बार हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स आपके सामने हैं, लगभग 87,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 51 का स्टॉक पी देखने को मिलता है, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 75% का इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। और चलिए दोस्तों इसकी अगर FII होल्डिंग्स की बात करें तो 10% की स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बाय कर रखा, और वहीं प्रोमोटर के पास लगभग 47% का स्टेक देखने को मिलता है, और ये अभी ऑल टाइम हाई से अपने 8% का डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों मैंने कंसिस्टेंट कंपाउंडर को चूज़ किया, जो कि PD लाइट इंडस्ट्रीज। तो इसको तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों, इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, फेविकॉल, एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट। तो ये सारे इसके जाने माने ब्रांड्स हैं जिनको आप सब यूज़ भी करते होंगे, और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। इसके चार्ट में आपने डाउनवर्ड ट्रेंड बहुत ही कम देखा होगा, ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में रहने वाली कंपनी है। तो यही एक कारण है दोस्तों इस कंपनी को चूज़ करने का। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22% की, और वहीं प्रोमोटर के पास लगभग 70% का स्टेक देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार इन्होंने मेंटेन करके रखा, और FIs के पास लगभग 11-12% का स्टेक देखने को मिल रहा है, और ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 14-15% डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों अब हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है हर साल, और वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हमें हर साल 6% की प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक CAGR की बात करें तो 22% का हर साल ये रिटर्न निकाल के दे देती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो काफ़ी अच्छी CAGR देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों अब हम अपने लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज़ करी है दोस्तों वो टाइटन। तो टाइटन से भी आप सब जानते होंगे जिन सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, वॉचेस, ज्वेलरी, आईवियर, तो उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है दोस्तों, मार्केट लीडिंग कंपनी है।
और इसके फंडामेंटल्स पे हमें कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लगभग 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का देखने को मिल रहा है। वहीं FIIs ने इसमें लगभग 18% का स्टेक बैक रखा है और प्रोमोटर्स ने 52-53 का स्टेक मेंटेन किया हुआ है। वहीं ये ऑल टाइम हाई से बात करें तो लगभग 11% का डिस्काउंट पर भी देखने को मिलती है। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10% की हर साल ये सेल्स इंक्रीज करती हुई देखने को मिलती है। और प्रॉफिट ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमें जरूर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और वहीं स्टॉक CAGR की बात करें दोस्तों तो लगभग 3 साल में हमें 30% के स्टॉक CAGR रिटर्न देखने को मिलते हैं। चलिए अब अपने लिस्ट नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं जो कि मैंने FMCG सेक्टर से चूज़ किया है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बताना चाहूँगा दोस्तों, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि टाटा टी को हम जानते हैं, टाटा सॉल्ट आता है, टाटा संपन्न मसाले आते हैं और भी कई सारी चीज़ें इनकी आती है। और इसमें निवेश करने का एक बेनिफिट और हमें मिल जाता है जो कि इनकी सब्सिडियरी कंपनी है टाटा कॉफ़ी, उसका भी एक्सपोजर हमें मिल जाता है। और ये ग्लोबली काफ़ी अच्छा अपने आप को एक्सपेंड कर चुकी है दोस्तों। लगभग बात करेंगे तो ये कैनेडा के अंदर, यूके के अंदर और नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा अपने बिजनेस कर रही है। वहीं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं एक बार ही हम, तो फंडामेंटल्स देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 75,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और वहीं स्टॉक PE की बात करें तो लगभग 91 पे अभी ट्रेड होती हुई देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री PE की बात करें तो 16 की देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये मेरे को काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। FMCG सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी कंपनी है ये दोस्तों। इस ये भी हमें लगभग हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंपनी बनती हुई देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 8% का देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 6%। और FIIs ने देखो लगभग 25% तो FIIs ने स्टेक पाए कर रखा है इस कंपनी में। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 34-35% की देखने को मिलती है। और ये अभी ऑल टाइम हाई से लगभग 8% डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रहा है। ये आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। अगर हम दोस्तों इनके सेल्स ग्रोथ देखें तो 19% और प्रॉफिट ग्रोथ 21%। और स्टॉक CAGR की बात करें तो पिछले 3 साल में 56% का हर साल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। बजाज फाइनेंस को मैंने चूज़ किया है। NBFC में मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों। ये जितने भी जैसे कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेना तो उस चीज़ के अंदर बजाज फाइनेंस मतलब मार्केट लीडर है ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने में, कराने में। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं एक बार। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, 4,43,000 करोड़। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10% का ROE देखने को मिलता है और 12% का ROE। और वहीं प्रोमोटर के पास लगभग 56% का स्टेक मेंटेन है और FIIs ने लगभग 23% का स्टेक बाय किया हुआ है। और ये ऑल टाइम हाई से लगभग 9% का डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रही है। और वहीं दोस्तों अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 21% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है पिछले 3 सालों का। और सेल्स ग्रोथ हमें 28% की देखने को मिलता है पिछले 3 सालों में। और स्टॉक CAGR की बात करें तो 3 सालों का 34 देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। तो चलिए दोस्तों एक बार अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं जो कि मैंने फार्मा सेक्टर से चूज़ करी है। यह है दोस्तों ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा को चूज़ करने का यही रीज़न था, ये B2B में काफ़ी अच्छा काम करती है दोस्तों। लगभग 60 कंट्रीज़ के अंदर इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये काम कर चुकी है और ये अपनी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस यहाँ पे बना चुकी है। तो चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल्स भी अब हम देख लेते हैं। लगभग 52,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। और वहीं स्टॉक करंट प्राइस की होता है तो लगभग 3200 के आसपास का देखने को मिलता है। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो 4300 का हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। और अभी ये लगभग हमें 26% के डिस्काउंट पे भी देखने को मिलता है अपने ऑल टाइम हाई से। और वहीं अगर इनकी ROCE की बात करें तो 28% का बहुत शानदार ROCE देखने को मिलता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 20% का ROE देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। और डेट की बात करें तो कंपनी भी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है दोस्तों, कोई भी कर्जा नहीं है। और FIIs ने लगभग 10% का स्टेक भी इसमें बाई किया हुआ है। और प्रोमोटर के पास लगभग 58% का स्टेक देखने को मिलता है। तो अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें पिछले 3 सालों में लगभग 29% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 46% का।
अगर स्टॉक सी एजीआर के बताओ, ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है दोस्तों, और फिर भी 22% का हमें सी एजीआर रिटर्न दे चुकी है एक साल में, और वहीं पिछले 3 ईयर्स में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने चूज़ करी है जुबलेंट फूड। जुबलेंट फूड को तो आप जानते होंगे दोस्तों, इनकी काफ़ी अच्छी ब्रांड नेम चलती है, जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंदर, डॉन्किन डोनट्स, ये सारी जो है दोस्तों जुबलेंट फूड के अंडर आती है, और इन सब की मास्टर फ्रेंचाइजी इशू करती है। और दोस्तों दोस्तों इसके एक बार हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो लगभग 36,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, और स्टॉक पी की बात करें दोस्तों तो लगभग 85 पे भी ट्रेड होता है देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री पी भी यही देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी FIs ने काफ़ी अच्छा स्टेक बाय किया हुआ, लगभग 40% का स्टेक तो FIs के पास देखने को मिलता है, और प्रोमोटर के पास 42%, और ये अभी ऑल टाइम हाई से हमें 40% डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं दोस्तों इसका 4600 का देखने को मिल रहा है, और इन करेंट प्राइस 2700 2800 के आसपास। अगर हम दोस्तों इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 3% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, रीज़न बीइंग कि कोरोना की वजह से सारे आउटलेट्स इनके बंद थे, तो उसी वजह का इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5% का प्रॉफिट ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं स्टॉक CAGR रिटर्न की बात करें 26% का पिछले 3 ईयर्स में CAGR रिटर्न देखने को मिलता है, और जबकि अभी इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर चुका है दोस्तों, फिर भी हमें 26% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23% का ROE देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने चूज़ करी है इन्फो एज। तो इन्फो एज को चूज़ करने का पीछे रीज़न यही था दोस्तों कि ये स्टार्टअप्स के अंदर भी निवेश करती है, और इसमें बेनिफिट लग इनमें इसमें पैसे लगाने से हमारे इनडायरेक्टली स्टार्टअप्स के अंदर भी पैसे लग जाते हैं। जैसे कि अगर इनकी ब्रांड्स की बात करें तो हम Naukri.com, 99acres, JeevanSathi.com, Shiksha.com, ये सारे इन्फोएज के ब्रांड्स हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से इसके अंदर इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है, सारे मार्केट लीडर्स हैं। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स की बात कर लें दोस्तों, तो अगर ये 61,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिलती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो अभी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 3-4% के दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू वाली कंपनी है दोस्तों, फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट होता है वो भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम पी की बात करें तो लगभग ये अभी 6 के PE पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, काफ़ी सस्ते में, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 49 की देखने को मिलती है। कर्जा ना के बराबर है कंपनी पे, लगभग 36% स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाय किया हुआ है, और प्रोमोटर के पास लगभग 38% का स्टेक देखने को मिलता है, और ये ऑल टाइम हाई से हमें 36% डिस्काउंट में भी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो अगर हम इनके प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में 4% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट्स में थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने को मिल रही है इनके, लगभग -29% की। और वहीं स्टॉक CAGR की बात करें तो इसने हर साल अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को 35% से बढ़ाया है पिछले 3 सालों में। अब हम अपने लिस्ट की लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं दोस्तों, HDFC बैंक को चूज़ किया मैंने बैंकिंग सेक्टर से, मार्केट लीडर बैंक का दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी नंबर वन पोजीशन मेंटेन किया हुआ है काफ़ी टाइम से, तो वही रीज़न है दोस्तों इसको चूज़ करने का। वहीं अगर हम इसे फंडामेंटल्स की तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है इस कंपनी के, लगभग 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18% की देखने को मिलती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 6%, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 16% का इंडस्ट्री पी देखने को मिलता है, और स्टॉक पी लगभग 21। वहीं FIs की बात करें तो FIs ने लगभग 35-36% का स्टेक बाय किया हुआ है इस कंपनी में, और प्रोमोटर्स की बात करें तो लगभग 25-26% का प्रोमोटर का स्टेक देखने को मिलता है। वहीं ऑल टाइम हाई से ये लगभग 15% के डिस्काउंट पर भी देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 ईयर्स में हमें 9% की से इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रही है इनकी सेल्स हर साल, और पिछले 3 सालों में इनके प्रॉफिट्स हर साल 19% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और HDFC का बताना चाहूँगा दोस्तों, इस साल में इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, रिसेंटली इनके रिजल्ट्स आए हैं, और काफ़ी अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और वहीं दोस्तों स्टॉक CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 8% का हर साल रिटर्न निकाल के इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 ईयर्स में हमें 17% की ROE देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे मेरे लिस्ट के 20 शेयर्स जो मैंने आपको बताए, और ये 20 शेयर्स में दोस्तों लगभग आपने
5% हर एक शेयर के अंदर एलोकेशन देनी है, और ये लेकर भूल जाना अपने अपने बच्चों के लिए, और ये हुनी के नाम कर देना है आपने सारे शेयर्स, उनको गिफ्ट देने हैं। और अगर दोस्तों आप भी अपना अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन दिए गए डिस्काउंट ब्रोकर का लिंक है, उस पर आप जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अपस्टॉक से साथ मैंने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ टाइप किया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप बताइए आपके पास इनमें से कोई शेयर है तो। थैंक यू।